अच्छा सजावल, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सजावल आप क्लास में हैं इस टाइम? जी वालेकुम अस्सलाम जी सर। तो सजावल मुझे अपडेट कर दें, हमारे अभी कितने लेक्चर्स हो गए हैं? सर वो मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा क्लास से, थोड़ा सा डिस्कस करके एक दो लेक्चर का लिंक वगैरह का, क्योंकि हमारे सर दो लिंक ऐसे हैं कि जिसमें मतलब एक लिंक है दो क्लासेस हुई हैं उस लेक्चर्स में। ठीक है तो सर वो इंशाल्लाह आज आपको अपडेट मिल जाएगा। नहीं लेकिन मुझे भी टोटल लेक्चर तो बता दो ना, टोटल लेक्चर कितने हो गए हैं? टोटल लेक्चर सर चार पहले हुए थे, तीन सर सात लेक्चर अभी तक हो चुके हैं इससे पहले तक, आज के लेक्चर से पहले तक। जी सर सही सही सही। सर टोटल 12 लेक्चर होंगे? अच्छा टोटल 12 लेक्चर हैं। अच्छा अब ये जो हमने कल पढ़ा था ना, उसकी मैंने एक्सरसाइज आपको देनी है, यानी ये मैं आपको अभी ग्रुप में ना मैसेज करूंगा, तो आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है एक्यूरेसी प्रिसीजन और रिकॉल आज का हमारा टास्क कितना ही है। तो पहले अगर कल के लेक्चर की किसी को समझ नहीं है तो मुझसे पूछ ले, जो लास्ट लेक्चर था आपका प्रिसीजन और रिकॉल और एक्यूरेसी के बारे में,
अगर समझ है तो फिर मैं आपके साथ जो टास्क को शेयर कर देता हूँ, मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। जी बेहतर। क्या सारे स्टूडेंट्स को जो एक्यूरेसी प्रिसीजन और रिकॉल का नॉलेज है, अगर है तो फिर मैं ये आपको टास्क देने लगा, आपने मुझे ये कंप्लीट करके बताना है। अच्छा क्लास, मैंने आपके साथ ग्रुप में ये फाइल शेयर की है, इस फाइल का नाम है APR। इस फाइल को डाउनलोड करें और मुझे ये बताएं कि आपका ये जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वाला कॉलम है वो यही है। एक्चुअल है यस यस नो, यस यस नो, यस यस नो, यस। डाउनलोड कर लें स्टूडेंट्स और मुझे ये फाइल ओपन करके बताएं कि उनके पास जो एक्चुअल ईमेल की वैल्यूज थी इस स्पैम वाली, वो यही है यस यस नो, यस यस नो, यस यस नो, यस। ये जो आज का हमारा सेशन है, ये एक बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है एक्यूरेसी प्रिसीजन और रिकॉल का। तो मैंने आपके ग्रुप में जो फाइल है APR.XML शेयर की है, इस सारे स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करें और हम इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करके ओपन कर लिया वो जरा काइंडली मुझे बता दें। लगता है सर डाउनलोड करके ओपन कर लिए, बाकी सारी क्लास लगता है जो है उन, या तो उनका माइक ही नहीं है या उनके पास लैपटॉप ही नहीं है, सारे मोबाइल पे जाना वो कनेक्ट करके खाना खाने चले गए। चलो कोई बात नहीं। सजावल, आपने इसको ओपन कर लिया अपने पीसी पे? जी सर। सर उसके अंदर ये जो मुझे नजर आ रही है फाइल इस तरह की नहीं है, उसके अंदर वो लिखा हुआ है ये वाली है शीट वन में ये आ रहा है लिखा हुआ। जी सर बिल्कुल यही आ रही है मेरे पास। नीचे शीट टू आपकी ओपन हुई, आप शीट वन खोल लें। जी बेहतर सर। हाँ जी, शीट वन ओपन हो गई आपकी।
सर शीट टू नहीं ओपन हो रही। शीट टू पे तो वो ये पहले वाला है ना, शीट वन ओपन करनी है आपको। नीचे आपके पास दो शीट्स हैं कि एक शीट है? जी सर आ गई है, शीट आ गई है। आ गया सर। ठीक है जी। जी सर। अच्छा मुझे आप बताएं कि जो ये वाला कॉलम आपका एक्चुअल इस स्पैम के नीचे क्या क्या लिखा रहा है, ईमेल 1 2 से 10 तक क्या वैल्यूज लिखी आ रही है? वाई वाई यस यस नो यस यस नो यस यस नो एंड लास्ट वन यस। ठीक है, और प्रेडिक्टेड में क्या लिखा रहा है? यस नो यस नो नो यस नो यस यस एंड लास्ट वन नो सर। ठीक है। अच्छा अब आपके सामने जो t/f और p/n ये वाला कॉलम खाली है? जी सर ये दोनों खाली हैं, t/n और p/n वाला। ठीक है। अब हमने तीन चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है इस, क्योंकि हमारे पास प्रिडिक्टेड जो है वो वैल्यूज आई हुई है और एक्चुअल हमें पता है। हमने तीन चीजें जो कैलकुलेट करनी है वो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो ऊपर वाले दो कॉलम है true/false और positive/negative इनको फिल करना है। अब जो दोनों कॉलम है उसमें से आप फिल करेंगे positive/negative वाले को। अब वो जहां पे प्रिडिक्टेड की यस वैल्यू है वहां पे आपने p कर देना है, यानी वो पॉजिटिव है, और जहां पे प्रिडिक्टेड की नो वैल्यू है वहां पे आपने नेगेटिव n कर देना है। जहां पे y है वहां पे आपने p कर देना है, जहां पे n है वहां पे आपने n ही रहने देना है। ये कॉलम फिल करें और फिर मुझे लिखवाएं आप। सर एक्चुअल वैल्यू को नहीं हमने देखना, जस्ट प्रिडिक्टेड को देखना है। प्रिडिक्टेड को देखना है। हां जी जी बेहतर सर। कर लिया सर। प्रेडिक्टेड वैल्यू जहां पर वाई थी मतलब यस थी तो पॉजिटिव के मैंने वहां पे पी ली। हां अब मुझे अभी कॉलम फिल करवाएं सर। फर्स्ट पी। ठीक है। देन एन। ठीक है। पी। हम्म। एन एन। हम्म। पी एन। हम्म। पी पी एंड लास्ट वन एन सर। सही है। अच्छा अब जो ट्रू और फॉल्स है वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जहां पे एक्चुअल वैल्यू यस है और प्रिडिक्टेड वैल्यू यस है, यानी ये दोनों वैल्यूज जहां पे सेम है वहां पे वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और जहां पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव है यानी दोनों पॉजिटिव यस, यानी दोनों वाई वाई हुए तभी ट्रू है, दोनों एन एन हुए तब भी ट्रू है, लेकिन जिस तरह वाई एन है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है सर। तो ये अब फिल करें और मुझे लिखवाएं। मैं सर अभी लिखता हूं। लिख लिया सर।
लिख लिया सर। नॉवल ना। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे लिखवाएं आप। मैं लिखवाता हूँ सर। फर्स्ट ट्रू है, ट्रू, उसके बाद एफ। हाँ जी, एफ 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 कॉल्स। एक मिनट जी सर। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रू है, उसके बाद फॉल्स। फॉल्स है सर, फिर फॉल्स। ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स, और ट्रू है सर थर्ड। जी सर, एंड लास्ट टू भी फॉल्स है सर। ये हो गए फॉल्स और ये भी फॉल्स। ठीक है जी, हमारे पास ट्रू कितने हैं इस टाइम? जस्ट टू सर। नहीं, हाँ हमारे पास सिर्फ दो ट्रू हैं। और फॉल्स कितने? फॉल्स सर 1 2 3 4 5 6 8 सर। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास करेक्ट प्रिडिक्शंस ओवर टोटल प्रिडिक्शन। हमारी टोटल प्रिडिक्शंस कितनी है? टोटल प्रिडिक्शन सर 10 है। ठीक है, और हमारी करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है? 2 सर आएंगी। हाँ जी, 2 हमारी करेक्ट प्रिडिक्शंस आएंगी, तो हमारा जो आंसर है वो 20% एक्यूरेसी है इस एल्गोरिथम की। जो उसने प्रिडिक्ट किया है हमारी 20% एक्यूरेसी आई है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिसीजन के ऊपर। अब प्रिसीजन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। आप मुझे ये देखिए जो, हाँ जी सर, जो हमारी एक्यूरेसी इसमें जस्ट टोटल प्रेडिक्शंस हमारी और बाकी ये प्रेडिक्शन है जिसमें ट्रू फॉल्स है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं आएगा? नहीं, इसमें ये नहीं आएगा। इसमें हमारे पास सिर्फ आएगा कि करेक्ट प्रेडिक्शंस कितनी है और टोटल प्रेडिक्शंस कितनी है। करेक्ट प्रेडिक्शंस हमारे पास थी 2 और टोटल प्रेडिक्शंस थी हमारे पास 10। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 2/10, 20% आंसर आएगा हमारे पास इसका। जी बेहतर सर। आगे आ जाता है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब मुझे आप जो है ना, ये टीपी लिखा हुआ है, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी। आप मुझे ये जरा देखकर बताएं, आपके जो दोनों ऊपर वाले कॉलम है, टीपी आपके पास कितने आए हैं? टीपी सर, हाँ अगर दोनों कॉलम को पढ़े ना, जिस तरह आपका ईमेल 1 है वो टीपी है, ईमेल 2 है एफएन, ईमेल 3 है एफपी, ईमेल 4 है एफएन, ईमेल 5 एफएन। आप मुझे अब ये गिन के बताएं कि आपके पास टीपी कितने हैं? टीपी कितने हैं सर? हाँ, एक टीपी 2 है सर, 2 सर, 2 है सर। ठीक है, हमारे पास टीपी आए हैं 2। और हमारे पास एफपी कितने आए हैं? एफपी सर 1 2 3 सर। एफपी हमारे पास हैं कितने? 3 सर। 3, तो जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 एफपी। तो हमारे पास प्रिसीजन कितनी आई? 0.4 0.4 सर। हाँ जी, अब टीपी हमारे पता है वो 2 है। अब मुझे गिन के बताएं एफएन कितने हैं हमारे पास? एफएन 1 2 3 4 5 सर। हाँ जी, हमारे पास एफएन है 5। तो हमारे पास रिकॉल जो है वो है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तुम्हारी रिकॉल आई है 0.285। ये आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। जी सर, ये आपकी प्रैक्टिस सेशन था जो मैंने आज करवाना था। उम्मीद है कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी साथ साथ किया होगा। आपके जो सबसे कॉमन इवेल्युएशन मैट्रिसेस वो यही थी ना। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, तो सजावल आप इस लेक्चर को भी अपडेट करके ना मुझे आप एक्सेल जो आपकी शीट है वो अपडेट करके भेज दें। जी बेहतर सर। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के जो मुश्किल वक्त है उसको आसान कर दे। मुझे और बाकी क्लास वाले उसको और रिश्तेदारों को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। जो मोमिन है वो ना उम्मीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। बेशक, जज़ाकअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।